हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केस के आने की कहानी सबकी में। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त अनीश। फ्रेंड्स, बॉलीवुड की सबसे हॉट एक्ट्रेस सनी लियोन अब बन चुकी है माँ। तो आइए हम जानते हैं इसके पीछे की पूरी सच्चाई को कि क्या कहानी है इसके पीछे। फ्रेंड्स, पिछले काफ़ी दिनों से ऐसी खबरें चल रही थी कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन जल्दी माँ बनने वाली हैं, और अब फैंस को ये जानकर खुशी होगी कि ये एक्ट्रेस माँ बन चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, सनी लियोन और उनके पति डेनियल वेबर ने 21 महीने की निशा कौर को गोद लिया है। निशा महाराष्ट्र के लातूर जिले की रहने वाली हैं। बॉलीवुड की इस हॉट जोड़ी ने अपनी इस बेटी का नाम निशा कौर वेबर रखा है। फ्रेंड्स, ये खबरें सुनने को मिल रही है कि सनी लियोन ने निशा को बहुत दिन पहले ही गोद ले लिया था, लेकिन मीडिया में ये खबर अब आई है। इतना ही नहीं, निशा के साथ सनी और वेबर की तस्वीरें भी देखने को मिली है। फ्रेंड्स, इस बार सनी लियोन ने इंग्लिश पेपर हिंदुस्तान टाइम्स से कहा है कि हमने कुछ दिनों पहले ही निशा को गोद लिया है। जैसे ही मुझे निशा की तस्वीर मिली, उसे देखकर मैं बहुत ही खुश हो गई। हमने कुछ दिनों पहले ही इस बात के बारे में सोचा था, और इतनी जल्दी हमें ऐसा सौभाग्य मिलेगा, मैं बहुत ही खुश हूँ। इसके अलावा सनी लियोन ने और भी कहा है कि हम फैमिली शुरू करने की सोच रहे थे, शेड्यूल इतना बिजी था कि ऐसा होना मुमकिन नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना हम बच्चा गोद ले लें। और इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन चाहे वो मेरा बच्चा हो या मेरा बायोलॉजिकल बच्चा हो, इससे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सनी लियोन ने और भी कहा फ्रेंड्स कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हम दोनों इसके आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से हम तैयार हैं। हम दोनों फैमिली शुरू करना चाहते हैं और ये बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों, ये थी सच्चाई सनी लियोन के माँ बनने के पीछे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फ्यूचर में क्या ये जिम्मेदारियाँ उठा पाएंगी अपने बच्चे की, यानी कि निशा कौर की जिम्मेदारियाँ ये उठा सकती हैं? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।